12वीं पास करने के बाद अधिकतर छात्राओं को विषय चयन करने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। अधिकतर वो परिजनों और दोस्तों की राय मानकर सब्जेक्ट चुन लेते हैं, जिससे आगे जाकर उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छात्राओं को वही भविष्य चुनना चाहिए जिसमें वो अपने आप को साबित कर सकें। विश्वविद्यालय द्वारा आगरा कॉलेज में जो एडमिशन की प्रक्रिया लगातार चल रही है और वेब रजिस्ट्रेशन के थ्रू आगरा कॉलेज में जो है एडमिशन किए जा रहे हैं, पर अक्सर हम छात्रों को उनसे हम बात की और पूछते भी हैं, टीचर भी पूछते हैं उनसे कि आप किस विषय में मतलब जाना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। अधिकतर जो छात्र उनको ये पता ही नहीं होता कि वो क्यों यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं और किस सब्जेक्ट में उनको क्या हासिल करना है। हमारे साथ जो है साइकोलॉजी विभाग की जो प्रोफेसर अंशु चौहान, जो पूर्व में जो यहाँ पर प्रॉक्टर भी रह चुकी हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा मैम, ये बताएं कि मतलब अक्सर आप देखते हैं कि छात्र आपके यहाँ भी ऐसे कोई आ गया, अरे मुझको कोई सब्जेक्ट नहीं मिला तो हमने आपके एडमिशन ले लिया, तो मतलब ये फैसला क्यों नहीं कर पाते छात्र कि हमें कहाँ जाना चाहिए? क्योंकि आप एक देखते हैं कि जो छात्रों की जो मनोदशा है वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो रही है। देखिए, इसका मेन रीज़न ये है कि NEP के आने की वजह से बहुत सारे सब्जेक्ट्स है तो बच्चों को देखने को मिल रहे हैं, अपनी पसंद की वो चॉइस का वो ले सकते हैं सब्जेक्ट। पर दिक्कत ये है कि बच्चे उस बारे में बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं सोच पा रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए आगे चल कर के बहुत यूज़फुल रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। तो बस सबसे पहले हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं तो वो हमारा फ्यूचर में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें हमें कोई जॉब मिलने के चांसेस हैं या नहीं है, या फिर हमारा उसमें पर्सनली भी इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सही कहा, हम अगर कुछ पिछले मतलब सालों की बात करें, मतलब आगरा कॉलेज की नहीं, देखा जब पहले एक लोग पहले इंजीनियरिंग के लिए भागते थे कि इंजीनियरिंग, और फिर इतने इंजीनियर हो गए कि उनको जॉब से नहीं मिली, फिर MBA का आया कि भाई MBA करना है, फिर MBA करने की इतनी बाढ़ आ गई कि अब उनकी भाई जॉब्स नहीं है। तो मतलब ऐसा कौन से विषय को चुना जाए कि जिससे उनको रोज़गार भी मिले और साथ में उनको जो है आगे बढ़ने का मौका भी मिले? देखिए, आप किसी भी सब्जेक्ट को चुनते हैं तो उसमें सबसे पहले आपकी हॉबीज़ होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी हॉबीज़ नहीं होगी आप उसमें कोई नया चेंजेस नहीं ला सकते हैं। दूसरी बात, हम किसी भी सब्जेक्ट को लेते हुए उसके डेप्थ में जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम डेप्थ में जाएंगे और विद इंटरेस्ट के साथ में रहेंगे तो हम उसमें आगे अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। जी ने बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल कि छात्रों को खुद अपने फैसले लेने पड़ेंगे, अपनी काबिलियत खुद पहचाननी पड़ेगी, वो अगर कहाँ जाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं इसका वो खुद चयन करेंगे तो उनका भविष्य भी उज्जवल रहेगा। कैमरामैन कोमेश के साथ लक्ष्मीराज सिंह, सी न्यूज़ आगरा।